हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 11th का टॉपिक। इसमें मैंने प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कवर किया है एक्सरसाइज 9.2 पे। नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन फोर्थ। सो व्हाट द क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, ये एपी गिवन है, आर नीडेड टू गिव द सम एज -25, कि हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो गिवन टर्म्स हैं उसमें कितनी टर्म्स हम ले कि उसको ऐड करके कितना आंसर आना चाहिए -25। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन देन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हम एक बार लिख लेते हैं। अब ए क्या है, फर्स्ट टर्म, तो कितनी आ गई -6। डी कैसे कैलकुलेट करना बताया हुआ है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी -11/2 एंड माइनस, जब बहुत सारे नेगेटिव है तो ब्रैकेट्स डालो ताकि जो तुम्हें कैलकुलेशन में साइन वगैरह की मिस्टेक नहीं होगी इसमें। सो इट कितना आ गया, डी इज इक्वल्स टू -11/2, इसको करेंगे माइनस इंटू माइनस तो +6। इसका एलसीएम लिया हमने तो कितना आ गया, देखो इधर 2, दिस इज -11 एंड दिस बिकम्स 12, तो इधर आ गया 1/2, -11 और +12, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, ठीक है। सो ये हमारा d भी आ गया। नेक्स्ट पूछ रहे कितनी टर्म्स ले, हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड टू मेक द सम एज -25। तो इसका मतलब भी हमने ऐसे ले लिया, लेट s एंड b -25, इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स हमने एज्यूम की है इक्वल्स टू n, जो कि हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब एस एन का फॉर्मूला, क्योंकि ए और डी जिस फॉर्मूले में आता है वो मैंने यूज करना है, तो क्या फॉर्मूला है, n/2, इस एस एन का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, इट इज 2a + n-1 × d इज इक्वल टू -25। फिर n तो फाइंड करना है, उसको n ही रखना है, a की वैल्यू हमें पता है तो -6। जब भी नेगेटिव वैल्यूज है ध्यान रखना, ब्रैकेट्स डालने हैं तुम लोगों ने ताकि कभी भी मिक्सअप ना हो साइन का। n-1 ऐसे लिखा, d की वैल्यू इज हाफ, इसके लिए भी हमने ऐसे ब्रैकेट किया और इज इक्वल टू -25। अब ये जो 2 है, ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर सिर्फ n रह गया हमारे पास, इसका ब्रैकेट ओपन किया 2 × -6 इट इज -12, इसको लिखेंगे तो 1 इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो n-1, ये 2 नीचे इधर यहाँ पर लिख दिया इज इक्वल टू -25 × ये जो नीचे था 2, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके चला गया। तो टर्म्स कैसे आ गई, इस पूरे का एलसीएम ले लिया तो 2 आ गया, ये तो अपॉन 1 है, तो ये हो गया -24 + n-1 इज इक्वल टू -50, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया हमारे पास, अब हमने इसको फर्दर जैसे इस 2 को भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो यहां पर n और ब्रैकेट के अंदर -24 और -1 दोनों नेगेटिव है तो ऐड होके साइन नेगेटिव, और ये आ गया +n इज इक्वल टू, ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -100 आ गया, इधर ब्रैकेट ओपन हम कर रहे हैं तो -25n + n² इज इक्वल टू -100 को भी हमने इधर शिफ्ट कर लिया तो +100 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। लेकिन क्वाड्रेटिक को हमेशा प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले n² फिर n फिर कांस्टेंट, तो पहले n² की टर्म हो गई, देन -25n + 100 इज इक्वल टू 0। इसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है ताकि n की वैल्यू आ जाए, तो 100 के, यहाँ 1 है तो 1 × 100, यानी 100 के मुझे ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड करने पर 25 आ जाता है, तो ऐसे लिखना हमने n² -25 के लिए, तो 100 कैसे लिखते हैं हम, 20 × 5 और 20 और 5 को ऐड किया तो 25, लेकिन साइन क्या है, नेगेटिव, तो -5n और -20n ऐसे लिख दिया, और +100 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए अगर डाउट्स आते हैं
तो मैंने प्रीवियस वीडियोस जो अपलोड किए हुए हैं स्प्लिट इन द मिडिल टर्म पे, उसको रेफर कर सकते हो. ठीक है, सो नाउ सी हियर, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ऐसा बन गया हमारे पास. इन दोनों में कॉमन ले लिया n, तो n माइनस 5. इसमें दोनों में भी कॉमन, तो माइनस 20. तो माइनस 20 कॉमन लिया तो n, इसका साइन चेंज कर देना. तो इस तरह से लिखाऊंगे. नाउ यू कैन सी इट इज n माइनस 5 एंड n माइनस 20 इज इक्वल टू 0. दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों में से एक 0 होना चाहिए. तो हमने दोनों को 0 के इक्वल करके n की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली. इसका मतलब है n की वैल्यू, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं और दोनों ही हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो दोनों को ही हमने एज आंसर लेना है. तो हमने आंसर में से लिखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स रिक्वायर्ड टू मेक सम, कितना सम चाहिए था हमें, माइनस 25. तो सम माइनस 25 के लिए द नंबर ऑफ टर्म्स रिक्वायर्ड टू मेक माइनस सम माइनस 25 इज 5 और 20. दोनों ही हमारे आंसर्स हो गए. क्लियर? सो अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो तुम लोग को इसकी इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली पहुंच जाए. तो ओके स्टूडेंट्स, बाय एंड गॉड ब्लेस.